मैं कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपको मुखातिब होता हूं। आज सोमवार 6 दिसंबर सन 2021 दोस्तों आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं बेस मेटल और लोहे के स्पॉट प्राइसेस क्या रहे और एनसीडीएक्स के ऊपर विभिन्न मसाले एवं एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या तेजी मंदी रही, इसका हम आज विवेचन करेंगे और स्पॉट प्राइसेस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इस शो के अंदर कॉपर यानी बेस मेटल्स के अंदर क्या संभव क्या मार्केट के अंदर आज के भाव रहे स्पॉट मार्केट के अंदर। सबसे पहले बेस मेटल का राजा कॉपर, कॉपर के अंदर आज कॉपर सुपर डेल्टा यानी डी 743 के भाव देखे गए। कॉपर केबल स्क्रैप के अंदर 716 का भाव था और कॉपर आर्मेचर 705 के भाव देखे गए। कॉपर एनजी रॉड 738 और सीसी रॉड 785 के भाव देखे गए। सीसीआर 748 के भाव पर ट्रेड हुई। और अब एल्युमिनियम के अंदर क्या भाव है, एल्युमिनियम इनगट 220 रुपए, एल्युमिनियम बर्तन 179 यानी 189 रुपए और एल्युमिनियम सेक्शन 190 रुपए के भाव देखे गए। एल्युमिनियम डबल टी 168 के भाव देखे गए, एल्युमिनियम पुजारा 168 और हिंदुस्तान जिंक हिंदुस्तान 277 रुपए के भाव देखे गए। लेड में 178 का भाव था जबकि LIPT 192 रुपए 50 पैसे के भाव देखे गए। निकल देश 1580 रुपए, टिन 12950 देखे गए। ब्रास 474 रुपए, ब्रास हनी 487 रुपए और गन मेटल 498 के ऊपर ट्रेड हुआ। रेडिएटर 371 और स्टेनलेस स्टील स्क्रैप 202 रुपए के भाव देखे गए। स्टेनलेस स्टील पाइप 304 रुपए के भाव थे और स्टेनलेस स्टील बर्तन स्क्रैप के भाव। अब एमएस इनगेट के भाव क्या रहे आयरन के अंदर, तो मंडी गोविंदगढ़ 43,400, अहमदाबाद 42,100, अलंग 42,000 और भावनगर 42,700 के भाव देखे गए। भिवाड़ी 42,300 और दुर्गपुर 39,800 के भाव थे। गाजियाबाद में 42,500 के भाव थे और गोवा में 42,100 के भाव देखे गए। हैदराबाद 40,600 पे ट्रेड हुआ और हिमाचल 42,400 पे ट्रेड बताया जा रहा है। इंदौर 42,500, जयपुर 41,800, जम्मू 43,600 और कानपुर के अंदर 41,800 के भाव देखे गए। कोलकाता 40,500, लुधियाना 42,600 और मुजफ्फरनगर 42,400 के भाव देखे गए। मुंबई के अंदर 42,700 के भाव बोले गए जबकि रायगढ़ के अंदर 38,800 के भाव देखे गए। राहुल केला के अंदर 43,400 के भाव थे जबकि रामगढ़ 39,000 के ऊपर के भाव बताए जा रहे हैं। अब दोस्तों ओल्ड आयरन स्क्रैप के अंदर क्या भाव रहे, ओल्ड स्क्रैप मंडी 31,900, मेल्टिंग स्क्रैप मंडी 34,900 और दुर्गपुर में 35,000 के भाव देखे गए। कोलकाता के अंदर 500 रुपए की गिरावट से बाजार बंद हुए। एमएस बिलिंग प्राइसेस के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। मंडी गोविंदगढ़ 43,600 फ्लैट, दुर्गापुरा 40,500 फ्लैट, इंदौर 42,900, जयपुर 42,200 और कोलकाता के अंदर 41,200 के भाव देखे गए। लुधियाना 43,000 के ऊपर ट्रेड किया और मुजफ्फरनगर में 42,800 के भाव देखे गए। ये था कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, निकल, टीन और आयरन और स्टेनलेस स्टील के आज के स्पॉट प्राइसेस के भाव। दोस्तों अब हम चर्चा करने वाले हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी 16,912 पे बंद हुई लगभग 284 रुपए गिरावट के साथ जबकि सेंसेक्स 56,747 लगभग 949 पॉइंट डाउन और बैंक निफ्टी में लगभग 461 पॉइंट डाउन होकर 35,735 पे इसने ट्रेड किया। दोस्तों अब इसके विशेष इस शो के अंदर कल किन स्टॉक्स के ऊपर आपको नजर रखनी है, आप तेजी देख सकते हैं और तेजी की संभावना बन सकती है। BHEL के अंदर जो 60.90 रुपए पे बनता है इसके अंदर तेजी की संभावना बन सकती है। इसके अतिरिक्त BEL
भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 207.85 रुपये पे बंद हुआ, इसके अंदर भी तेजी की संभावना है। जबकि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगभग 2.5% गिरावट के साथ बंद है, बंद हुई 128.85 रुपये, इसमें तेजी की संभावना है। दोस्तों एग्रो कमोडिटीज के अंदर कपास खरीद के अंदर आज 2830 का हाई लगा और धनिया 8,860 रुपये का उच्चतम स्तर एनसीडेक्स पे देखा गया। जीरे ने 16,290 का उच्चतम स्तर एनसीडेक्स पे देखा गया। गौरतलब है कि जीरा, धनिया और कपास खली के अंदर हमने आपको अग्रिम अनुमान विश्लेषण दिया था कि इसमें तेजी की संभावना है नजर आई और वो अक्षर सत्य भी साबित हुआ। दोस्तों हमारे विशेष बुलेटिन को आप बिल्कुल देखते रहिए, पल पल की खबर हमारे चैनल से प्राप्त करते रहिए। शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार एवं करेंसी बाजार के अग्रिम आकलन विश्लेषण के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, आप गवार सीड, सोयाबीन, ऑयल सीड, इसकी तेजी मंदी की विशेष रिपोर्ट के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।